क्राइम ब्रांच ने नाइलॉन मांजा विक्रेताओं के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत 5 लोगों को गिरफ्तार कर 1.25 लाख रुपए का नाइलॉन मांजा बरामद किया है। यूनिट 3 ने लकड़गंज के जूनी मंगलवारी में शुभम राजू नंदनवार के घर पर छापा मारा, जहां उससे 29,000 रुपए का नाइलॉन मांजा बरामद किया। शुभम ने मंगेश आनंदराव पोनीकर, खापरीपुरा इतवारी और दिल्ली के पतंग व्यापारी बबलू काइट से मांजा खरीदा था। पुलिस ने मंगेश और बबलू के खिलाफ भी मामला दर्ज किया। यूनिट 3 ने दूसरी कार्रवाई दिघोरी के शिव सुंदर नगर में की। वहां शहजादा अली शेख से 38,000 रुपए कीमत का नाइलॉन मांजा बरामद किया। शहजादा ने भी मंगेश पोनीकर और बबलू काइट से मांजा खरीदा था। यूनिट 2 ने छापरू नगर चौक के पास यश कैलाश चिरेकर, उसके भाई जय चिरेकर और कुणाल संजय देवगढ़े गरोबा मैदान को गिरफ्तार कर 60,000 रुपए का नाइलॉन मांजा बरामद किया। यह कार्रवाई डीसीपी चिन्मय पंडित के मार्गदर्शन में पीआई प्रदीप रायनेवार, एपीआई पवार और उनके दल ने की। नाइलॉन मांजा संबंधी गुन्हे शाखेकडून मोठ्या प्रमाणावर कारवाई सुरू आहे। युनिट 3 पथकाने आतापर्यंत 7 कारवाई केलेली आहेत। आज रोजी आम्ही 2 कारवाई केलेली आहेत। एक कारवाई वाठोडा पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये केलेली आहे, त्याच्यामध्ये 2 आरोपींना अटक केलेली आहे। दुसरी कारवाई लकडगंज पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये केलेली आहे, त्याच्यामध्ये 2 आरोपींना अटक केलेली आहे। आणि ह्या दोन्ही गुन्ह्यांमध्ये एकूण 67,200 रुपयाचा नायलॉनचा मांजा आम्ही जप्त केलेला आहे। वाठोडा पोलीस स्टेशनमध्ये जे आरोपी अटक केलेले आहेत, त्याच्यामध्ये शहजादा शेख आणि मंगेश पवणीकर असे 2 आरोपी आहेत। आणि लकडगंज पोलीस स्टेशनमध्ये अटक केलेल्या आरोपींचे नाव शुभम नंदनवार व मंगेश पवणीकर असे आहेत। हा मंगेश पवणीकर आहे, हा यानं दिल्लीहून नायलॉनचा मांजा मागवलेला होता। दिल्लीतून ज्या ठिकाणी त्यांनी मागवलेला होता, त्याला सुद्धा या गुन्ह्यामध्ये आरोपी करण्यात आलेला। क्राइम ब्रांच की सभी युनिट को कारवाई के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली के मांजा विक्रेताओं को आरोपी बनाए जाने से इसकी तस्करी थमने की उम्मीद है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा अटवा, BCN न्यूज़ नागपुर।